Hello students, our today's topic from line and question series from transport and transport in plants chapter is plant water relations. अब यहाँ कितने questions बैठेंगे, तो basically पहले ये समझना है कि plant water relations में क्या क्या include किया है. सबसे पहला topic इसमें आएगा water potential, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है ऑस्मोसिस, उसके बाद आएगा प्लाज्मोलिसिस, और फिर फाइनली इट विल लीड टू अनदर इंपॉर्टेंट टाइप और प्रोसेस, एंड दैट इज नथिंग बट इम्बाइबेशन. अब देखिए, यहां जिन क्वेश्चंस के बारे में बात होगी वो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम लोगों को लाइन बेस्ड ज्यादा मिले. और अगर मैं यहां कुछ क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करता हूं तो वो मेरे दो टाइप के क्वेश्चन है. नंबर एक मेरा निकलेगा भाई टिपिकल एमसीक्यू टाइप, जो नॉर्मल एमसीक्यू है हमेशा जैसे होता है, और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन बनता है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स का. क्योंकि यहां सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो पहला पार्ट क्या है, तो देखो यहां पहला पार्ट वाटर के इंपॉर्टेंस को लेकर बनाया गया पैराग्राफ है. तो यहां का क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो यहां का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन. अब एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं. Water is essential for all physiological activities of the plant and plays very important role in all living organisms. इस क्वेश्चन को जिस तरीके से करेक्ट के लिए सेट किया जा सकता है वैसे ही इनकरेक्ट के लिए भी सेट किया जा सकता है, ये बात याद रखो. अब यहां मैं इस स्टेटमेंट को वन की जगह बोल रहा हूं ए, बराबर. यहां इंपॉर्टेंट क्या है, यहां इंपॉर्टेंट यह है कि वाटर ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. दूसरा जो लाइन मुझे यहां से मिलेगा वो रहेगा इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड, बराबर. अब ये मेरा हो गया स्टेटमेंट बी. The protoplasm of cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles are suspended. ये मेरा पॉइंट सी जो है इसे मैं करूंगा रॉन्ग, और रॉन्ग करते वक्त मैं किस पॉइंट को यूज कर रहा हूं, तो मैं लिखता हूं मॉलिक्यूल्स आर सस्पेंडेड, रॉन्ग हो गया वो, बराबर. मॉलिक्यूल्स आर सस्पेंडेड नहीं, क्या है वो, मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड. तो ये पार्ट यहां का इंपॉर्टेंट हो गया, एंड सेवरल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड. इस तरीके से वो लाइन अगर है तो वो सही है, और इसलिए जो बॉक्स में लिया हुआ पार्ट है वो बॉक्स में लिया हुआ पार्ट ही हम लोगों को यहां रॉन्ग या सही का पार्ट देगा. अब अगला जो पॉइंट है मेरा वो क्या हो सकता है, तो ये पॉइंट रहेगा डी. अ वाटरमेलन हैज ओवर 90% वाटर, बराबर. वाटरमेलन हैज 90% वाटर, ये काम की चीज होगी. मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10-15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर, बराबर. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां, ये स्टेटमेंट को मैं अगर चेंज करना चाहता हूं तो मेरा स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा. वाटरमेलन हैज ओवर 90% वाटर, मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10-20% बोला मैंने, यानी ये परसेंटेज वाला पार्ट यहां इंपॉर्टेंट हो गया. ये 10-15% है, वाटरमेलन का 92% वाटर है, ये याद रखना जरूरी है.
यानी इन चार स्टेटमेंट्स में से मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए और बी, और जो रॉन्ग करवाया मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए वो हो गए मेरे भाई सी और डी, बराबर। अब यहाँ एक लाइन और याद रखिए, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरीज, वुडी पार्ट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर व्हाइल द सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर। इसको भी तो उल्टा किया जा सकता है, अ सीड मे अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। ये तो है, तो यहाँ अमाउंट पूछा जाएगा आपको, सीड ड्राई रही तो भी उसमें कितना पानी रहेगा, तो इट इज लेस देन 1%। ये पॉइंट यहाँ नोट करके रखिए, ये काम का है। यानी कोई भी सीड ड्राई नहीं होती, बराबर, कोई भी सीड कभी ड्राई नहीं होती, वो पर्टिकुलर टाइप के सीड में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा। आगे बढ़ते, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। यहाँ एग्जामिनर जिस पार्ट को नहीं यूज करने वाले वो रहेगा थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स, बराबर। सिर्फ इतना आएगा, मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू, बराबर, मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू, यानी जो पोर्शन कट किया वो पोर्शन मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की हिंट बन जाएगा। सो ये कैनॉट बी द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ, और आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ट्रांसपीरेशन। ये बना मेरा टिपिकल MCQ, बराबर, ये एक मेरा क्वेश्चन इस लाइन पे बना। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए मैं और एक पार्ट दे सकता हूँ। अ मैच्योर कॉर्न कॉब कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे। इस लाइन में क्या इम्पॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 3 liters वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गया और इन अ डे इम्पॉर्टेंट हो गया, बराबर। ये दो चीजें अगर बदल दी तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते, व्हाइल अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 hours। तो यहां काम का क्या, वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, किसमें, मस्टर्ड में, इसे डब्बे में डालो, इसे लिखो डब्बे में, और टाइम काम का हो गया 5 घंटे, बराबर। एग्जामिनर जो भी चेंज करेंगे ना वो यहां करेंगे, ये बात याद रखना, और वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर, बराबर, वाटर इज ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। ये स्टेटमेंट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसे हम लोग भाई एज इट इज रहने देते हैं, और इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोगों ने छोड़ दिया, इसको करेक्ट रखेंगे। सो इस पूरे पार्ट से मैंने टिपिकल कितने MCQs निकाले, मैंने 3 MCQs यहाँ से लिए हैं, बराबर। वो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट वाला, उसके बाद ये ट्रांसपीरेशन के पॉइंट का, उसके बाद फिर से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, वाटर पोटेंशियल। स्टेलर एंड टेलर का ये कंसेप्ट है, बराबर। यहां टू कॉम्प्रिहेंड प्लांट वाटर रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड टर्म्स इज नेसेसरी कैन नॉट बी द क्वेश्चन, बट उसके आगे वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय SW एंड इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट, बराबर। यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, तो दैट क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल MCQ टाइप, बराबर। जहां पे आंसर जो है वो आंसर क्या रहने वाला है, वहां आंसर रहेगा वाटर पोटेंशियल, बराबर। ये आंसर रहेगा, यानी ये बनेगा आपका ब्लैंक, बराबर। यहां ब्लैंक आएगा और यहां से क्वेश्चन चालू होगा,
इज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट. ये पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं. सोल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई एस एंड प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी. सोल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई एस एंड प्रेशर पोटेंशियल बाय साई पी. बराबर. तो ये दो छोटे क्वेश्चंस हो गए. यानी अब तक इन लाइन से मेरे टोटल एमसीक्यूज हो गए हैं 3. अब चौथे एमसीक्यू की बात करते हैं. चौथा एमसीक्यू कैसे बनेगा देखिए. सोल्यूट पोटेंशियल का ब्लैंक बनेगा साई एस और प्रेशर पोटेंशियल का ब्लैंक बनेगा डैश एंड डैश आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल. सीधी लाइन उठा के क्वेश्चन बन गया. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछा जाए द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल आर. तो आंसर में रहेगा साई एस एंड साई पी या सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. सो ये सारे क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट मैं यहाँ आपको ऐड करके दे रहा हूँ और वो है साई जी. साई जी का मतलब क्या होता है? तो वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटी पोटेंशियल. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई जी. और तब जाके यहाँ मेरा चौथा एमसीक्यू ऐड हुआ और वो फोर्थ एमसीक्यू जो मेरा है वो मैच द कॉलम्स का है. ये आपको बहुत सारे एमसीक्यू बुक में मिलेगा, मॉड्यूल्स में मिलेगा मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन. जहाँ बच्चों कॉलम वन में हम लोगों को क्या मिलता है? कॉलम वन में हम लोगों को ये सारे सिम्बॉल्स मिलेंगे. साई डब्ल्यू मिलेगा, साई पी मिलेगा, तीसरा मिलेगा मुझे साई एस एंड फोर्थ वन विल बी साई जी. और इनको आपको सही तरीके से कनेक्ट करना है उनके मीनिंग के साथ. वाटर मॉलिक्यूल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी. अब ये कहाँ से आई? वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है. वो लिक्विड है. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं या फिर वो दूर दूर है. तो इनके मूवमेंट के लिए जगह जो है वो ज़्यादा रहेगी. अब वाटर यानि लिक्विड, लिक्विड यानि मैटर, मैटर पजेसेस मास और ये पार्टिकल ये कांस्टेंट मूवमेंट में है. तो इनकी हो गई वेलोसिटी, उसका किया स्क्वायर और उसको डिवाइड किया हाफ से. तो दैट विल बी नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. बट उसको यहाँ हम लोग टर्म देते हैं फ्री एनर्जी. जितनी स्पेस ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी भाई. बराबर. तो इसलिए आगे का लाइन इंपॉर्टेंट बनता है कि इन लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट. बराबर. फिर से इस जगह पे जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन जो मेरा बनता है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का बनेगा या फिर वो मेरा क्वेश्चन जो है वो बनेगा करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का. अब यहाँ मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, मैं आज करेक्ट क्वेश्चन की बात ही नहीं करने वाला. आज मैं सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले पे आने वाला हूँ. मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में भी बताया कि जब आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना हो तो इनकरेक्ट को कीजिए सर्कल और करेक्ट को कीजिए अंडरलाइन. यानी आपका ध्यान सिर्फ वहाँ जाएगा जो पूछा गया है. ये स्टेटमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? हमें इनकरेक्ट ढूंढने को बोला है. इसको मैं बोल देता हूँ वन. इन लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन. अब ये दे यानी कौन है? तो वो वाटर मॉलिक्यूल है, ये याद रखिए. और वो कैसी है मूवमेंट? रैपिड है और कॉन्स्टेंट है. दूसरा क्या? द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल. यानी इस स्टेटमेंट को भी मैंने सही रखा. इस स्टेटमेंट को नंबर दे देते हैं नंबर 2. बराबर. और इस स्टेटमेंट को भी हम लोग सही रखेंगे. और यहाँ ये इसका मतलब ये हो गया कि जितना सॉल्यूशन सिस्टम में पानी ज़्यादा उतना वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा. बराबर. अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊँगा. अब हम लोगों को यहाँ जो भी पर्टिकुलर टाइप के बाकी के जो दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेने हैं वो या करेक्ट स्टेटमेंट लेने हैं वो इसके आगे के पैराग्राफ से ले सकते हैं हम लोग. बराबर. और वो क्या रहेगा?
तो वो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर को लेकर रहेगा, ये बात याद रखो। सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर को लेकर जो बात आएगी वो क्या रहेगी, तो ये पॉइंट यहाँ से मैं बनाऊंगा कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिस्टम विथ हायर एनर्जी टू द वन विथ लोअर एनर्जी। और यहाँ एक वर्ब ऐड कर देंगे भाई बीच में इसके जगह पे, अंदर ऑकर्स। सो मेरा तीसरा स्टेटमेंट हो गया कि नेट मूवमेंट जो वाटर मॉलिक्यूल का है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। वो हमेशा एक चीज याद रखिए कि इट विल बी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ हायर एनर्जी टू द वन विथ वॉट विथ लोअर एनर्जी, और इसलिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। मुझे अगर इसे रॉन्ग करना है तो मैं इसको कर डालूंगा लोअर और इसको कर डालूंगा हायर, यानी ये मेरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। बराबर। अब इसका अगर गलत स्टेटमेंट ही करना है तो हम लोग इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। बराबर। इसको उल्टा किया जा सकता है ना, मैं इस हायर वाटर पोटेंशियल में से हायर को बदलूंगा और यहां से बदलूंगा लो को, और ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 4 था जिसे मैंने रॉन्ग कर दिया। अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि यहां एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बराबर। और वो क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन मेरा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का क्वेश्चन मेरा जाता है। अभी तो खास क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आए ही नहीं है जो अलग से मैं समझाने वाला हूं। यहां देखिए मेरा स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट वन मेरा ये है, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम ग्रेटर इज इट्स वाटर पोटेंशियल। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। मेरा स्टेटमेंट टू क्या है, इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। बट इसमें से मैं क्या करूंगा ना, मैं इट इज ऑब्वियस को लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इतना साधा स्टेटमेंट लूंगा कि प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। बराबर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। बराबर। ये जो पर्टिकुलर टाइप का पार्ट है ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसलिए दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब जब मैं अगले पार्ट पे जाता हूं, अगले पार्ट पे जब मैं बात करता हूं, तो एक चीज यहां ध्यान में रखिए कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का पार्ट है, बराबर, इसको हम लोग किस तरीके से अभी आगे यूज करने वाले हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये मेरा आंसर रहेगा और ये पॉइंट बनेगा मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टिपिकल टाइप। बराबर। यहां कोई चेंज एक्सपेक्टेड है ही नहीं, ये पॉइंट इसी तरीके से चलेगा। अगला मेरा क्वेश्चन कहां से आता है, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आता है यहां से कि वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबॉल साई। यहां ग्रीक सिंबॉल साई बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बराबर। एंड इज एक्सप्रेस्ड, ये भी मेरा सेकंड पार्ट बनेगा, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स, प्रेशर यूनिट्स को पूछा जाएगा, और प्रेशर यूनिट में टेक्सबुक क्या दे रहा है, पास्कल दे रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि पास्कल को छोड़ के बार और एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। बराबर। यहां से जो मेरे एमसीक्यूज बने, इस पॉइंट से जो मेरे एमसीक्यूज बने, वो एमसीक्यूज टिपिकल टाइप के एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो मोस्ट कॉमन है। बट अगला क्वेश्चन मेरा और कहीं है क्या, तो आंसर यस है। बाय कन्वेंशन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी को मैं यूज ही नहीं करूंगा यार, टेकन टू बी मैं लूंगा ही नहीं, और ये मेरा हो गया आंसर 0। बराबर। बट यहां एक पॉइंट मुझे याद रखना चाहिए कि यहां दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात की है
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो ये भी जो मेरा एमसीक्यू बना वो टिपिकल बना, टिपिकल एमसीक्यू के तरफ जा रहे हम लोग, बराबर। यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ये हाईएस्ट होता है और उसे हम लोग बाय कन्वेंशन जीरो कंसीडर करते हैं। अब ये पूछा जाएगा यहां पे इस तरीके से, दिस इज अ सेल, बराबर, दिस इज अनादर सेल, और फिर यहां दिया जाएगा इसका साई डब्ल्यू और यहां दिया जाएगा इसका साई डब्ल्यू, और आपको पूछा जाएगा कि नेट मूवमेंट क्या है। बट ये क्वेश्चन समझने के लिए कुछ समझना और जरूरी है, और वो ये है। अब देखो यहां क्या बोला है, इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वॉटर, इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वॉटर, द सोल्यूशन हैज प्योर फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर डिक्रीजेस। एकदम सिंपल लाइन है, पहले लाइन को समझिए और फिर आगे बढ़िए। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने अब जो लिया था वो प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का साई डब्ल्यू जो है वो मैंने क्या कंसिडर किया है, जीरो। चलिए एक नंबर लाइन पे आ जाते हैं, टाइमिंग टेम्परेरीली एक क्वेश्चन समझाने के लिए ये सारा पार्ट है। ये जीरो हो गया, कंसेप्ट को समझिए। जीरो के इस साइड में मैं जाता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और जब मैं इधर आऊंगा तो दैट विल बी -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। सो जब मैं जीरो से आगे बढ़ता हूँ, मेरे राइट में जाता हूँ तो वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा, और जब मैं मेरे लेफ्ट साइड पे जाता हूँ तो वो निगेटिव वैल्यू दे रहा। और ये जीरो किसे इंडिकेट कर रहा है, तो भाई बच्चों जीरो इंडिकेट कर रहा है यार प्योर वाटर को, और वो प्योर वाटर का पोटेंशियल आपने कितना कंसिडर किया है, जीरो। अब ऑथर ने ये लाइन को यूज किया अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन के लिए। ऑथर ने ये बोला है कि सोल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर। जब उसने सोल्यूट डिजॉल्व किया प्योर वाटर में, ये सोल्यूट है, इसको डिजॉल्व किया, इसको डिजॉल्व करने के बाद ये प्योर वाटर रहा क्या, नहीं। ये क्या बन गया आपका, ये तो अब आपका बन गया सोल्यूशन, और सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। अब वाटर का अमाउंट कम हो गया यानी वाटर का पोटेंशियल ये जीरो से कम हो जाएगा, और जीरो से कम जो कुछ भी रहेगा दैट हैज टू बी निगेटिव। और ये लाइन पकड़ के आपको अगले पार्ट पे क्वेश्चन मिलने वाला है, बराबर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने यहां छोड़ा था आपके लिए। ये जो है ये है सेल ए और ये है सेल बी। साई डब्ल्यू ऑफ सेल ए इज -3 वेयर एज साई डब्ल्यू ऑफ सेल बी इज -7, और आपको पूछा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर का डायरेक्शन बताइए, मूवमेंट ऑफ वाटर का डायरेक्शन कैसा जाएगा। अब -3 इज ग्रेटर देन -7 यानी साई डब्ल्यू ऑफ सेल ए इज ग्रेटर देन साई डब्ल्यू ऑफ सेल बी, और इसलिए पानी जो है वो कहां से कहां जाएगा, ए से बी तक। ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, बराबर। लेकिन जब हम लोग इसके आगे बढ़े तो यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा अब अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए चलेगा। यहां क्या बोला है, इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सोल्यूशन हैज प्योर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कभी नहीं आएगा, इसका कंसेप्ट बन के क्वेश्चन आएगा सेल के टाइप में, ये याद रखो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, बराबर। हेंस ऑल सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, और इसके चलते हुआ क्या कि जब जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनेगा तो पानी की ताकत, पानी की फ्री एनर्जी यानी वाटर पोटेंशियल वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जीरो के नीचे जाएगा, और जीरो के नीचे जाएगा यानी वो निगेटिव होते जाएगा, और इसलिए किसी भी सॉल्यूशन का
जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और ये आपका क्वेश्चन बना एक लाइन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे कि साई डब्ल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो एंड इट हैज टू बी निगेटिव। बट आगे चल के ऑथर ने जो लाइन दी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहां ये बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोल्यूट पोटेंशियल और साई एस। ये आपका एक टिपिकल एमसीक्यू है। दूसरा टिपिकल एमसीक्यू यहां है कि साई डब्ल्यू इज ऑलवेज निगेटिव, बराबर। जितना साई डब्ल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे उतना साई एस जो है वो मैग्नीट्यूड से और कम होते जाएगा, और यहां वो लोअर होगा यानी मोर एंड मोर निगेटिव होगा। इस लाइन को इस लाइन पे समझो, बराबर। मैंने थोड़ा सा सोल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल बच्चों -1 पे आया, मैंने और थोड़ा सोल्यूट ऐड किया तो वो -2 पे आया, मैंने और ऐड किया -3 पे आया। जैसे जैसे मैं सोल्यूट ऐड करते जाऊंगा वैसे वैसे वो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो मोर निगेटिव होते गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल हैज टू बी इक्वल विद द सॉल्यूट पोटेंशियल। और ये क्वेश्चन कैसा है तो ये टिपिकल एमसीक्यू बन के आएगा। और क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर में आना चाहिए साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस, यानी वो दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल रहेगी बट वो दोनों निगेटिव रहेगी। आगे अब यहां क्या लिखा है देखो, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। वाटर पोटेंशियल को ओल्ड कंसेप्ट में बोला जाता था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर उसको बोलते थे एसपी यानी सक्शन प्रेशर। अब इस लाइन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे ये क्वेश्चन बनता है वहां पे। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, बराबर। ये जो सेल है इसे मैं बोलता हूं सेल ए, इसे मैं बोलता हूं सेल बी। ये जो सेल ए है उसका साई डब्ल्यू जो है वो है -4, और सेल बी जो है उसका जो साई डब्ल्यू है, जस्ट अ मिनट, उसका जो साई डब्ल्यू है वो है -8। कौन से सेल की पानी लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, साई डब्ल्यू जिसका -8 है उसकी, यानी बी की पानी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब अगर मैं एक्सटर्नली बी पे कुछ प्रेशर अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नली उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद, जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो ए से बी के तरफ पानी स्लो हो जाएगा, और अप्लाई किया तो और स्लो हो जाएगा, और अप्लाई किया तो और स्लो हो जाएगा, और एक प्रेशर ऐसा आएगा कि ए से बी के तरफ पानी जाना बंद हो जाएगा। उसके आगे भी मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं तो बी पानी लेगा नहीं भाई, बी जो है वो पानी देना चालू करेगा। इसका मतलब क्या है, आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर वाटर पोटेंशियल बढ़ा, बराबर। आगे, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप, इसका आंसर आप जानते हो। प्रेशर कैन बिल्ट अप इन एनी प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल। ये भी क्वेश्चन डायग्राम बनके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये सेल है, बराबर। इस सेल का साई डब्ल्यू जो है वो है -9, और इसके सराउंडिंग में है प्योर वाटर। अब यहां अगर सराउंडिंग में प्योर वाटर है और यहां साई डब्ल्यू अगर -9 है तो दिस सेल विल हैव
a strong tendency to take up water from the surrounding. जैसे जैसे वाटर डिफ्यूजन से अंदर आएगा, लाइन समझना बहुत ज़रूरी है, वैसे वैसे वॉल के ऊपर वो प्रेशर बिल्ट अप करते जाएगा, यानी अंदर आने वाला पानी वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो रेड एरो से दिखाया मैंने, जिसके चलते सेल क्या हो गई, जिसके चलते सेल हो गई टर्जीड, और जो प्रेशर डेवलप हुआ उस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाएगा टर्गर प्रेशर। बराबर, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के सेल के लिए टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, बट उस वक्त वो सेल टर्जीड होती है। फ्लैसिड सेल के लिए, यानी जिसका वाटर कंटेंट कम है, उसके लिए टर्गर प्रेशर कम रहेगा और वॉल प्रेशर ज्यादा रहेगा। यानी टर्गर प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, ये हमें क्या देगा, टीपी माइनस डब्ल्यूपी हम लोगों को देगा डीपीडी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे हुआ क्या वो देखो, सेल टर्जीड होते गई, और जैसे जैसे सेल टर्जीड होते जाती है तो उसका क्या बढ़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा। ये लाइन आएगी क्वेश्चन बन के, तो आंसर प्रेशर पोटेंशियल जाना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे है, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। यहां से क्वेश्चन चालू हुआ, आंसर रहेगा पॉजिटिव। बराबर, और आगे, दो इन प्लांट्स निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वॉटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज मेजर रोल इन वॉटर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्टेम। प्लांट में कैसा प्रेशर डेवलप हो रहा है, निगेटिव पोटेंशियल या टेंशन, बट यूजुअली प्रेशर पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। ये जो हाईलाइट ना किया हुआ लेकिन रेड पार्ट से मैंने मार्क किया हुआ लाइन है, जिसे अभी मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं, ये अगले टॉपिक में समझेंगे हम लोग, आज उसकी जरूरत नहीं है। ये अगला एक क्वेश्चन यहां और बनता है, कौन सा, प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज साई पी। बराबर, फिर से एक क्वेश्चन बनेगा लाइन बेस्ड, वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय। बराबर, बोथ ये वर्ड जो है वो आएगा नहीं, बट आएगा सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का पार्ट, ये आंसर रहेगा। और तब जाके ये क्वेश्चन बनता है अगला, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनकी रिलेशनशिप क्या है, तो साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। और यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है, फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशनशिप। बट ये ऐसा नहीं आएगा, ये जनरल हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी, दिस इज सेल सी, नाम दे देते ए बी सी। सेल ए के लिए साई एस की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, और प्रेशर पोटेंशियल तो पॉजिटिव होता है, इसका है साई एस माइनस थ्री, और साई पी जो दिया है वो है सिक्स। सेल बी के लिए जो है, ये क्वेश्चन को समझना, सेल बी के लिए जो साई एस है वो है माइनस एट, और साई पी जो है वो साई पी इसका है प्लस टेन। बराबर, अब ऐसा धीरे धीरे हम लोग इसका भी पार्ट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां साई एस मैंने दे दिया माइनस नाइन, और साई पी जो है वो मैंने दिया टेन। और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से सेल से पानी कहां जाएगा। बराबर, अब मैं क्या करता हूं, या किसका साई डब्ल्यू सबसे कम या सबसे ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन यहां आएगा। तो मैं इस रिलेशनशिप को यूज करके, ये वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालूंगा। और इसलिए इस पार्ट पे नॉलेज, अप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं, ये बात याद रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोटेंशियल एंड डिफरेंट अदर पार्ट्स। अगले पार्ट में मिलेंगे ऑस्मोसिस के साथ। थैंक यू।